इंडिया अलायंस बन के तैयार है, जिसमें कांग्रेस एक धुरी है जो हर राज्य में अलग अलग पार्टियों को गठबंधन में जोड़ रही है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में हैं। वैसे तो इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आज के वक्त में बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजिशन में है, अगर वो खुद भी हारना चाहे तो भी वो 60 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। और यही कारण है कि इंडिया की बातें और राज्यों में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ पर बीजेपी को झटका लगने की पूरी उम्मीद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपर हैंड पे रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन फिर भी जो सीट शेयरिंग है वो भी फाइनल होने जा रही है सितंबर के महीने तक, और इंडिया के जो कैंडिडेट हैं उनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के लिए। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर संतोष करेगी उत्तर प्रदेश में, जहां पर उनको सिर्फ दो ही मजबूत सीटें मिलेंगी, अमेठी और रायबरेली। इसके अलावा 6 सीटें वो होंगी जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ेगी, जैसे कि लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, बनारस, मतलब जिन सीटों को समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती, या फिर यूँ कह लीजिए अपोजिशन की कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती, वहाँ पर आपको कांग्रेस लड़ती नजर आएगी। उसी तरह राष्ट्रीय लोकदल लगभग 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। लेकिन आरएलडी और सपा के बीच सीटों को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है, और जिन दो सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा नूरा कुश्ती चल रही है वो है कैराना और मुजफ्फरनगर। तो इस तरह से कुछ 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ती नजर आएगी, 6 सीटों पर आरएलडी लड़ती नजर आएगी, बची हुई सभी 66 सीटों पर समाजवादी पार्टी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।